आज मैं सुशील कुमार झा संत मेरिज पब्लिक स्कूल महनाब का हिंदी शिक्षक वर्ग नवम के लिए भूल शिक्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं राम विलास शर्मा। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं रचनाकार का परिचय देना चाहता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और इसे लिखकर विद्यालय के शिक्षक को उप शिक्षक को दिखाएंगे। राम विलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश का एक उन्नाव गांव है, 1912 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वह गांव में ही। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ गए। अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त कर वे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी किए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और तत्पश्चात वे हिंदी में लेखन कार्य करने लगे। सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी, फिर कहानियां लिखी। इसके अतिरिक्त आत्मकथा भी है, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। हिंदी के नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा, इससे संबंधित इन्होंने कथा लिखी है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, सदियों के सोए जागे थे, यह कविता है। पाप के पुजारी नाटक इनकी है, इनका नाटक है। चार दिन इनके उपन्यास है। इसके अतिरिक्त इनकी एक आत्मकथा भी है, अपनी धरती अपने लोग। इनकी कृतियों, उत्कृष्ट कृतियों की रचना कृतियों के लिए इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, शलाका सम्मान आदि। इस सम्मान में मिली राशियों को इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए, उसके प्रसार प्रचार हेतु दान कर दिया। प्रस्तुत कहानी भूल के माध्यम से कवि भूल के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस भूल को हम लोग तुच्छ समझते हैं, वह भूल अखाड़ा में लड़ने वाले पहलवानों को एक नई स्फूर्ति देती है, नई ऊर्जा प्रदान करती है। यही वह भूल है जिसमें बच्चे लोट पोट कर बड़े होते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक नई शक्ति प्राप्त करते हैं। किशोरावस्था में लेखक पहलवानी भी किया करते थे। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कराया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन जगत का इन्होंने ज्ञान कराया। इसके अतिरिक्त पाठकों के मन में भूल शिक्षक पाठ के माध्यम से देश प्रेम की भावना को भी जागृत करने का काम किया है। इस कहानी में इन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया, अन्य रचनाकारों द्वारा उक्त लोकोक्तियों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, देश शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन प्रयोगों के द्वारा इस कहानी को इन्होंने बहुत ही आकर्षक बना दिया। और मुझे विश्वास है इस पाठ को पढ़ने के बाद लोग भूल के महत्व से जरूर अवश्य परिचित होंगे और उस भूल का तिरस्कार न करेंगे, जिसे शरीर में लगने पर लोग साफ करने लगते हैं। धन्यवाद। मत किया जा सकता है महाशय, मत कीजिए प्लीज जी।